सुहानी जब से शादी होकर अपने घर आई थी तब से उसने हर वक्त अपने पूरे परिवार को हंसता मुस्कुराता ही देखा था। हर कोई मस्त माला। ऐसा परिवार पाकर सुहानी तो मानो निहाल हुए जा रही थी। उसे कभी लगा ही नहीं कि वह ससुराल में है। उसकी सास, ससुर, ननंद और पति सभी की बहुत अच्छे से बनती थी, मगर इन सब के बीच में भी उसे एक चिंता खाई जा रही थी, देवर सोमिल की। सोमिल हर वक्त खामोश और कटा कटा सा रहता था। सुहानी बोली, दीदी आपको नहीं लगता हमारा पूरा परिवार इतना हसमुख है और सोमिल भैया कुछ ज्यादा ही खामोश? कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह हमारे परिवार का हिस्सा भी है या नहीं। क्या बचपन से ही सोमिल भैया इतने खामोश है या फिर कोई और कारण है? भाभी, दूसरों की तरह आपने भी सोमिल को गलत समझ लिया। एक वक्त था जब सोमिल हमारे पूरे परिवार की शान हुआ करता था। जब बैठता और बातें करना शुरू करता तो हंस हंस कर पेट दुख जाता था। माँ और मेरी तो इतनी परवाह करता था कि परिवार में सब लोग हमारी किस्मत से जलते थे, शायद उन्हें किसी की नजर लग गई। कहते हुए ननन पायल की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी दीदी, मेरे कहने पर आपको शायद बुरा लगा, लेकिन मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे भी सोमिल भैया की फिक्र हो रही थी, इसीलिए आपसे पूछ लिया। कहते हुए सुहानी ने अपनी ननंद के आंसू पोंछे। भाभी, आपकी बात सही है, मगर आज के बाद कभी भी घर में किसी के सामने सोमिल के दुख का जिक्र मत करना, क्योंकि हम सब उस पल के लिए पछता रहे हैं जब से सोमिल बदल गया। कहते हुए पायल वहां से चली गई। सुहानी को बिना कुछ कहे पायल चली तो गई, मगर सुहानी के मन में कई सारे सवाल छोड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो हंसता मुस्कुराता सोमिल इतना खामोश हो गया? आज मेरी शादी को 6 महीने हो गए, मगर एक बार भी सोमिल भैया ने मुझसे कोई बात नहीं की। उनके दुख का जो भी रीजन हो उसे पता लगा कर रहूंगी। सोचते हुए सुहानी अपने कमरे में आ गई। वहां उसके पति जतीन पहले से मौजूद थे। उसने आगे बढ़कर सुहानी को अपनी बाहों में लिया तो सुहानी खामोशी से उसकी बाहों में आ गई। जतीन ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है सुहानी, आज तो मेरी झांसी की रानी ने ऐसे ही सरेंडर कर दिया, कोई नाटक नहीं? जतीन की बात सुनकर भी सुहानी ने कोई आंसर नहीं दिया तो जतीन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? घर में किसी ने कुछ बोला तुमसे? नहीं जतीन, बस ऐसे ही मन खराब है, सोमिल भैया के बारे में सोच रही थी। पायल ने बताया सोमिल भैया हमेशा से ऐसे नहीं थे, फिर क्या कारण है कि सोमिल भैया इतने बदल गए? जतीन ने उसके बालों को सहला कर कहा, सुहानी सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें सोमिल की फिक्र हो रही है। सोमिल हमारे घर के सामने रहने वाली पूजा से बहुत प्यार करता था और पूजा भी सोमिल से, मगर पूजा के और हमारे घर वालों ने उन दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज के थे। पूजा ने तो अपने घर परिवार के सामने हार मानकर दूसरी जगह शादी कर ली, मगर सोमिल कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और तब से खामोश हो गया। आज हम और मम्मी पापा कई बार कोशिश करते हैं कि हमें हमारा पहले वाला सोमिल वापस मिल जाए, उसे जो कोई भी परेशानी हो वह हम लोगों के साथ शेयर करे, मगर सोमिल ने तो मानो खामोशी की चादर ओढ़ ली है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि उसकी खुशियां कैसे लौटाऊं। सुहानी, यकीन मानो, यदि सोमिल पहले की तरह मुस्कुराने लग गया तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। कहते हुए जतीन की आंखों में आंसू आ गए। जतीन, यदि तुम दिल से चाहते हो तो मुझे यकीन है एक ना एक दिन सोमिल भैया जरूर मुस्कुराएंगे। कहते हुए सुहानी जतीन की बाहों में समा गई। कुछ दिनों के बाद सुहानी ने देखा हर वक्त अपने कमरे में रहने वाला सोमिल आजकल बालकनी के ज्यादा चक्कर काट रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि पूजा अपने मायके आई हुई है। सुहानी ने एक दिन मौका देखकर जब घर पर कोई नहीं था पायल को भेजकर पूजा को अपने घर बुला लिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुहानी को समझ में आ गया।
सोमिल के बिना पूजा की जिंदगी भी अधूरी है। सुहानी बोली, पूजा तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, मगर तुम्हारे चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई तो वजह होगी। जैसे मैं सुमिल की भाभी हूँ, वैसे ही तुम्हारी भाभी भी हूँ। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। पूजा ने सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात पलट दी। मगर फिर सुहानी ने पूजा को जब सुमिल का वास्ता दिया तो पूजा एक छोटे बच्चे की तरह बिखर गई। उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुहानी ने जब सुमिल को सच्चाई से रूबरू कराया तो उससे कहा, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इसे अपने हाथ से मत जाने देना, आपको आपकी खुशियों का वास्ता। सुमिल बोला, आपको क्या लगता है भाभी, घर वाले मानेंगे? जब पहले ही वे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे तो अब? सुमिल भैया, मुझे नहीं पता ये सारी बातें सुनकर घर वाले क्या रिएक्शन देंगे, मगर आप बताइए, क्या सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप पूजा को अपना पाएंगे? आपका प्यार कम तो नहीं होगा ना? भाभी, मैंने पूजा को सच्चे दिल से चाहा है, मुझे नहीं पता कि वह कभी मां बन पाएगी या नहीं, आज कमी उसमें है, यदि यह कमी मुझ में होती तो घर वाले क्या करते? बस आप बताइए, आप तो मेरे साथ है ना, अब हर हाल में पूजा की खुशियां मेरी जिम्मेदारी है, आप तो मेरे साथ है ना। कहते हुए सुमिल ने सुहानी का हाथ पकड़ दिया। सुहानी ने आंखों के इशारे से उसे आश्वासन दिया। सुहानी का साथ पाकर सुमिल ने घर वालों से पूजा के बारे में बात की। उसकी बातें सुनकर घर में तो मानो भूकंप आ गया। एक तो लड़की तलाकशुदा, ऊपर से शायद कभी मां भी ना बन पाए। मगर इस बार सुमिल अपनी खुशियों को यूं ही नहीं गंवाना चाहता था। उसने कहा, पहले भी एक बार आप लोगों के कहने पर अपने प्यार को खो चुका हूं, मगर अब नहीं। यदि आप लोग मेरी खुशियों में शामिल होना चाहे तो स्वागत है, वरना अब मुझे और पूजा को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सुमिल की बातें सुनकर पायल बीच में बोल पड़ी, आज तक हम लोग भैया की खुशियों को वापस हासिल करने के बारे में सोच रहे थे, जब उन्हें ये मौका मिला है तो क्यों हम लोग पीछे हट रहे, क्यों ना भैया को उनका प्यार हासिल करने में मदद करें। परिवार का पूरा होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है, मगर परिवार में खुशियां लाना तो हम लोगों के हाथ में है, और हमारे परिवार की खुशी उन दोनों के साथ में है। तो आप लोगों को नहीं लगता है क्या कि दोनों के परिवार को मंजिल मिलनी ही चाहिए? पायल की बातें सुनकर घरवाले तो सुमिल और पूजा की शादी के लिए तैयार हो गए। धूमधाम से सुमिल की शादी हुई और कुछ समय के बाद ही परिवार में दो खुशियां सुहानी और पूजा की गोद भराई के रूप में आ गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।